सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। आपके लाइफ में ऐसा कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट आया? बहुत था। मैं तो इनफैक्ट जब मैं बचपन में मैं सोचा करता था कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा। हाँ। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो उतना बड़ा नहीं हुआ। मैंने मतलब आई इमीडिएटली किल्ड ऑल माय डिजायर्स। मैं एक बार बता दूं आपको, जितने शॉर्ट हाइट के हीरोज मेरे साथ काम करते हैं वो देखो नवाज शॉर्टर देन मी। अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती आगे, बाकी we were discussing a few options who would play Nalin Dalal and because you said this, so I'm going to say this story. Or थे काफी सारे ऑप्शन, ऑल गुड एक्टर्स व्हाटएवर, और काफी लंबे वंबे भी जो बड़े हो चुके जो मुझे लगा कि हाँ ये हीरो तो। So here today I am with a lady जिनसे हमें डेढ़ से थोड़ा ज्यादा ही इश्क किया है और परमिशन लेके किया है। अलॉन्ग विथ हर वी हैव समवन जिनके बिना आजकल लोग ओटीटी पे सीरीज नहीं देखते, और अब अगर देखेंगे तो आधार कार्ड लेके देखेंगे। एंड देन वी हैव द मैन बिहाइंड द लेंस जिन्होंने हमें काफी इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था ये कह के कि अगर गलती से फेल हो गए तो उसके बाद क्या करना है, इसकी बात तो कोई नहीं करता। वेलकमिंग हुमा कुरैशी, शरीफ हाशमी एंड पीयूष गुप्ता इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स। हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? वेरी गुड। पोस्टर देखे तो महक आ नहीं रही है, पर ट्रेलर देखे तो काफी ज्यादा महक आ गई हम सबको। फिल्म देख के आपको स्वाद आ गया। नाइस, गुड वन। तो आई हैव दिस वेरी क्वर्की हैबिट कि जब भी मैं खाना खाती हूँ ना, मुझे कुछ खाने के रिलेटेड ही देखना होता है। तो बीट एनीथिंग, कार्टून हो या कोई सीरीज हो या मास्टर शेफ हो। तो ऐसी आप लोगों की कोई क्वर्की हैबिट हो कि खाना खाते हैं या फूड के रिलेटेड, जो भी डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट हैबिट? मुझे ना, आई डोंट नो, आई हैव दिस व्हेन आई एम वर्किंग ना, लाइक माय लंच टाइम इज ओनली टाइम आई गेट दिस 10 15 मिनट्स टू माय सेल्फ। सो आई डोंट लाइक टू बी अराउंड एनीबॉडी व्हेन आई एम हैव ईटिंग। आई डोंट नो, शेयर नहीं करना है। ओह, दैट्स क्वाइट वर्किंग। नहीं, शेयर की बात नहीं, मेरे को लाइक आई फील द दिन भर सेट पे होते हो, लाइक आई ट्राई टू बी ऑन सेट एज मच एज आई कैन। तो मुझे लगता है वो 15 मतलब आई ईट 5 मिनट एंड देन 10 15 मिनट्स अलोन विद माय सेल्फ। आई फील दैट्स लाइक माय मी टाइम। मी टाइम। मैं तो जी खाना खाता हूँ तो और कुछ नजर नहीं आता मुझे। मैं इतना मशगूल होता हूँ ना खाना खाते वक्त कि लोग कितना भी बुला ले, पुकार ले। हाँ, आता होता। जैसे किसी शॉट में मुझे खाना होता तो मैं खाता रहता हूँ, खाता हूँ, कट भी कर देते हैं फिर भी जब तक वो खत्म नहीं होता। दैट्स ट्रू एक्चुअली, इवन आई टोल्ड हिम सो मेनी टाइम्स, मैं कहा शायद कट हो गया, अभी खत्म हो जाएगा। हाँ, अरे अभी ले ही लेता हूँ। चाहिए हमको। मेरी तो यार 2 साल की छोटी बेटी है। हाँ। तो मैं तो उसके साथ खाता हूँ और फिर मुझे देखना रहता है कि वो खा रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे लाइक माय वाइफ गोज टू वर्क, तो शी गिव्स मी दिस एजेंडा दैट इतना खत्म करना ही है। तो आई डोंट हैव दिस लग्जरी ऑफ वाचिंग टीवी। वेल हुमा, कमिंग टू यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योर फादर ओन्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस ईटरीज इन दिल्ली। सो यू कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, हॉस्पिटैलिटी एंड बिजनेस एंड ऑल, तो क्या स्पेशल था ये कैरेक्टर आपके लिए? हाँ, स्पेशल था। आई थिंक मेरा कुछ तो है, ऑफ कोर्स फैमिली कनेक्शन तो है ही, बट आई फील इट्स वेरी नाइस दैट आई एम एबल टू एक्सप्लोर दिस थ्रू फिल्म्स आल्सो। मैंने एक मेरे करियर के स्टार्टिंग में फिल्म की थी लव शब्द चुकुन खुराना, तो दैट टाइम आल्सो डैड वाज क्वाइट हैप्पी। आफ्टर सीइंग तल्ला का ट्रेलर तो ही इज गॉटन सुपर एक्साइटेड, ही इज टेलिंग मी कि मैं सोच रहा हूँ ये, एंड ही गॉट वेरी किक्ड अबाउट दिस बटाटा मुसल्लम। कि क्या बटाटा मुसल्लम? तो आई एक्सप्लेन टू हिम कि एक्चुअली दिस इज हाउ शी मेड हर रेसिपी। सो शी टुक मुर्ग मुसल्लम और उसमें से मुर्ग निकाल के उसमें आलू बटाटा डाल दिया, एंड दैट बिकेम। सो ही एक्चुअली सेड, यू नो, आई एम एक्चुअली गोना मेक दिस एंड आई एम गोना सेल दिस एट सलीम। सो आई सेड प्लीज डैड, आई थिंक यू शुड बिकम अ मार्केटिंग गाय आल्सो। दैट्स अ किक-ऐस आईडिया। इट्स अ लवली आईडिया। या वेल, इन द ट्रेलर हम देखते हैं कि तरला जी को कुछ करना होता है लाइफ में, एंड देन शी टेक्स सजेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, है ना? तो यूजुअली लोग ये कहते हैं कि बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन देयर इज ऑलवेज अ वुमन, पर इस स्टोरी में हमें शायद से वो वाइस वर्सा देखने मिल रहा है। तो जब आपने इसके बारे में पढ़ा, इस स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन? मैं मतलब जब मैंने पहली बार अभी पीयूष भाई से जब नरेशन लिया था, आई वाज सो मूव्ड बाय इट कि मुझे, मैंने, मैं उनके पैरों में गिर गया था कि सर ये नलिन दलाल मैं हूँ, प्लीज और कहीं मत देखिए, और कोई एक्टर नहीं है, मैं इसको सबसे अच्छा करूंगा। मैं मतलब आई वाज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस रोल बिकॉज इट इज सो ब्यूटिफुली रिटन, इतने प्यारे उसमें शेड्स हैं, और मैंने ऐसा किरदार निभाया नहीं है। मैं क्या कहूँ, मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई एम आई गॉट टू प्ले नलिन दलाल एंड आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटिफुल फिल्म, सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ सच एन इंस्पायरिंग लेडी, जिनकी किताबें हमारे घर के किचन में हमेशा बचपन से हम देखते आए हैं, और हमारी अम्मियों ने मतलब उनकी रेसिपीज देख के हमें खाना बनाकर खिलाया है। तो और उनकी जिंदगी की
पर जिंदगी पर फिल्म बन रही है और उसमें मैं उनके पति का किरदार निभा रहा हूँ, मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है. We are blessed that he agreed to do it. Yeah. अरे and he killed and he smashed it. नहीं नहीं अरे he really smashed it. स्वाद आ गया. Coming to you, Piyush sir. जब हम बायोपिक बनाते हैं ना तो काफी ज्यादा बैलेंस रखना पड़ता है because it's a real life story. उस कैरेक्टर के बारे में also, but साथ ही साथ एक क्रिएटिव आपको नरेशन देना होता है. सो हाउ डिड यू मेड इट पॉसिबल विद तारला, बिकॉज तारला जी इज नो मोर बिटवीन अस, यू नो. सो बेसिकली आई थिंक द वे आई इंटरप्रेट बायोपिक्स, यू नो, स्पेशली बहुत ही करियर के स्टार्ट में दंगल हो गई थी, तो वी हैड दिस ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ हाउ टू राइट फॉर ऑन रियल लाइफ. तो मेरा ही हमेशा से मानना है कि मूवी हैज टू बी एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग प्राइमरीली. बायोपिक कैन नॉट बिकम अ रीजन टू सर्व. तो बायोपिक इज इंसिडेंटल. तो यूजुअली लाइक दैट्स हाउ वी अप्रोच तरला ऑल्सो, कि आप सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड ले लेते हो उस रियल लाइफ पर्सन के और उसके अराउंड आप एक कहानी गढ़ते हो. क्योंकि अगर आप उसको लिटरली उस टाइमलाइन पे बिठाने जाओगे तो शायद ऑडियंस भी लगेगा हम बोर हो रहे हैं. सो आइडिया ऑफ राइटिंग अ बायोपिक और मेकिंग अ बायोपिक इज ऑलवेज की हाउ डू यू कैप्चर द स्पिरिट ऑफ द स्टोरी एंड नॉट हाउ डू यू टेल द एग्जैक्ट इवेंट. उसके लिए डॉक्यूमेंट्री होती है. सो दैट्स हाउ वी डिड इट. लाइक लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू सी यू विल वॉच इन द मूवी आर रियल बट दे मे नॉट हैव हैपेंड इन दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. करेक्ट. So that song you wanted, that Allu Arjun song in the film, that was from imagination or what? That was completely from imagination. You thought ki story is aage leke jayega. Yes. Unka ek sequence tha, phir humne bola ki nahi, uske dates available nahi. Ye abhi ye pura imagination tha. Coming to you, Uma. The poster really looks great. And जब ऐसी बायोपिक बनती है एंड द पर्सन इज नॉट बिटवीन अस, उनके फैमिली का रिएक्शन काफी ज्यादा मायने रखता है. या या नो आई थिंक अ फैमिली व्हाटएवर दे हैव सीन एंड दे केम ऑन सेट आल्सो, आई थिंक दे हैव बीन वेरी पॉजिटिव, दे हैव बीन वेरी स्वीट एंड दे हैव बीन वेरी एनकरेजिंग. और आई थिंक जब फैमिली, खासकर उनके बच्चे जो हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन, आई मेट द अदर डे, व्हेन दे से स्वीट थिंग्स ना एंड दे कॉम्प्लीमेंट यू, आई थिंक दैट रियली मींस अ लॉट. सो आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर फैमिली फॉर गिविंग अस द परमिशन टू टेल दिस वंडरफुल स्टोरी टू एवरीवन. Beautiful way. Yeah. Of doing things without being like extra aggressive or extra like vocal about it. Correct. And I really like appreciate that. Like I think Tarla ji had this very soft feminism quality to her without really possibly understanding that what she's doing and how it's going to impact so many people and so many lives, right? For somebody who's been a Padma Shri awardee, you know, the first woman to have her own cookbook, her own cookery show back in the day, you know, when this, and she was not somebody who was you know, identified as like a face that was supposed to be in front of the camera, you know. Correct. She was just our ordinary neighborhood lady, right? But to for her to still believe that, you know, she her life meant something and she had something to give to the world which was valuable, you know, I think that's such an inspiring thing. And she did it ekdam aaram se. So that has been actually my biggest takeaway from playing Tarla. वैसे ट्रेलर में काफी खूबसूरत सीन है जहाँ वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है पर पता नहीं क्या करना है. But that's all of us, no? Yeah. I identified most with that scene because I'm like, I was like that in my 20s. I was like, I want to do something, but I don't know what I want to do. You know, पता नहीं कुछ तो करना है. So, you know, and at that age, कुछ बहुत important है. Yeah, and at that age, I think in India, we have this. At least our mother generation ki acha shaadi kar lo fir soch lena karna kya hai. So as a result of that, once shaadi and the bacche and the whole cycle, so by the time then you're in your like mid 30s or 40s and you realize, oh, my kids are grown up and now what do I do? Correct. आपके लाइफ में ऐसा कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट आया? बहुत था. मैं तो इनफैक्ट जब मैं बचपन में मैं सोचा करता था कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा. लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो उतना बड़ा नहीं हुआ. तो मैंने मतलब आई इमीडिएटली किल्ड ऑल माय डिजायर्स ऑफ बिकमिंग अ हीरो और एक्टर और वो सब. और बट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. तो आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया. और कब मैं एक फुल फ्लेज्ड राइटर बन गया मुझे पता भी नहीं चला. एमटीवी ज्वाइन कर लिया इन हाउस राइटर. फिर उसके बाद दूसरा काम चलता गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए.
तो मुझे लगा कि गलत और इतना लेट तो मुझे भी मेरा कुछ जो है बहुत लेट पता चला मेरी लाइफ में कि यार एक्टिंग इज व्हाट माय कॉलिंग इज और वो मेरा सपना है. और यस तरला की जो लाइन है कि सपना पूरा करने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है. करेक्ट. लवली. तो लवली. पर मैं एक बार बता दूं आपको, जितने शॉर्ट हाइट के हीरोज मेरे साथ काम करते हैं वो देखो नवाज शॉर्टर देन मी. अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती आगे, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री. मैं वैसे ही लकी हूँ कि इन्होंने मेरे साथ काम करने की. मैं प्लीज डोंट बी सिली. सच में मुझे लगा था कि हुमा इतनी बड़ी स्टार है, पता नहीं वो मतलब मुझसे मतलब काम करने को तैयार होंगी. एक तो जब तैयार हुई तो मुझे पता लगा कि पता नहीं कैसे पेश आएंगी कैसे. बट ये इतनी प्यारी, इतनी स्वीट हार्ट है, मतलब मैंने इतना एंजॉय किया. और सिर्फ मतलब एज ए पर्सन नहीं कह रहा हूँ, एज ए पर्सन तो वो बहुत प्यारी है. जब काम करते वक्त जब एक को एक्टर का सही होना बहुत जरूरी होता है. अगर आपको सामने से कुछ करेक्ट वाइब नहीं मिल रही है तो आपका भी पूरा काम तमाम हो जाता है. करेक्ट. बट हमने इतना मतलब इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया मुझको और आई होप कि मैंने ऑफ कोर्स कैच को हमने बहुत. बट कैन आई से दिस, सो हमने ना एक वी वर डिस्कसिंग अ फ्यू ऑप्शंस हु वुड प्ले नलिंदा लाल एंड बिकॉज़ यू सेड इट सो आई एम गोना से दिस स्टोरी. और थे काफी सारे ऑप्शंस, ऑल गुड एक्टर्स व्हाटएवर, और काफी लंबे वंबे भी जो बड़े हो चुके जो मुझे लगा कि हां ये हीरो तो. But then we had a reading together and Piyush, I remember, and he just walked in and he just killed it. And both of us looked at each other. Yeah, Piyush was always convinced about him. Yeah. I was a bit like, chalo milke reading karte. And then he came in and he just blew us away. And I just looked at each other and like, yeah. Like, it cannot be anybody else. Like, and I feel we would be doing disservice to the film and to the character if we went with any other taller option. Thank you so much. No, and you really have killed it. See, your height got you the role. Yeah. You were thinking no, it's phenomenal talent and yes, you're so absolutely good. Thank you. Aadhaar card dikhana padega. Aadhaar card dikhana padega. Aadhaar card, PAN card ke sath. Well, Piyush, aisi kaun si quality hai jo aapko Tarla ji ki family se pata chali and that resonates with Huma also? Oh, wow. Ye sawal hai ye, ladki. Jo mujhe unse pata chali hai. एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनके वीडियो से सारी कर दूं. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है. अच्छा अच्छा मैंने बारे में झूठ बोला. एक्चुअली आई दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर आल्सो दैट कि फॉर मी द मिनट आई मेट हर आई फेल्ट दैट शी वाज तरला. बिकॉज आप उनके कुकरी शोज देख लो, आप इनको देख इनके इंटरव्यूज देख लो, आपको लगेगा कि यू नो इन स्पिरिट दे बोथ सीम सो स्पॉन्टेनियस एंड सो स्वीट एंड ऑल्सो सो फनी. सो ऑलमोस्ट लाइक इट्स इफ यू जस्ट कैन गेट देम to match physically a bit, you've got your Tarla. So I mean, for me, it was like a no-brainer. When I met her, I was like, it's both of them actually. And when my heart-shaped face. Things are spilling over from the previous interviews. Yeah, my chalta. Yeah. Lastly, आप एक दूसरे को कोई भी food item से describe करिएगा. कोई भी एक food item. Food item से. Item से describe कर सकते हैं. Food से किसके. Piyush, there has to be some vegetarian dish only. I'm thinking which one. Something bland. Batata masala. अभी जो खाया था. साबुदाना खिचड़ी. ऊपर से दही. ऐसे हो यार कमी ने. मैं अपनी जिंदगी इतने emotional moments बता रहा हूँ. देखो ये लोग क्या कर रहे हैं. हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? नहीं दूसरे हंसने के लिए. हमने सारा इतना पहला का promotion नहीं किया. What is the साबुदाना and दही? So basically ये picture बनी इसलिए क्योंकि इनके घर में दही खत्म हो गई थी. मेरे को अभी आते को आपने सीरियस स्टोरी सुनाई. अब ना उसका इसका फनी वर्जन. इसका फनी का फन वर्जन. ओके. क्या हुआ बेसिकली. अल्लाह. बेसिकली एक भुक्कड़ इंसान को भूख लगी थी तो उसने बोला मैं साबुदाना खिचड़ी खाऊंगा. फिर फ्रिज खोल के बोला अरे देयर इज नो दही. दे नो इज वाइफ. वाइफ व्हाई इज नो दही. तो वाइफ ने बोला तुम भी तो ला सकते हो. तो जब ही इंसान गया तो जब ही इंसान गया दही लाने के लिए तो उसने बोला वन सेकेंड. बट मैंने ऐसा क्यों बोला मतलब मगर दही मैं भी तो ला सकता था. तो मैंने सोचा पापा भी ऐसे करते थे, दादाजी भी ऐसे करते थे, उनके दादाजी भी ऐसे करते थे, तो दिस इज रॉन्ग. और मैं इस प्रथा को तोड़ूंगा. और फिर मैं इसलिए तरला डायरेक्ट की ऐसे. तो तरला बनी बिकॉज ऑफ द मिसिंग दही. अगर दही उस दिन होती तो ये कबीर सिंह बनाते. ये काट देना प्लीज. वेल गाइस, दिस वाज टीम तरला फॉर ऑल ऑफ अस. डू नॉट फॉरगेट टू पोर इन ऑल योर लव फॉर दीस गाइस बिकॉज इट इज गोना स्ट्रीम ऑन Z5 फ्रॉम 7 जुलाई. साइनिंग ऑफ, दिस इज निकिता बागवान, इंडिया फोरम्स, मुंबई.